प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं, तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं, तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे, लेकिन कमला हैरिस ने हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली। मतलब ये कि भैया ये बाइडन जो था और ये बाइडन कमाला और ये जो डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने हमारा कोलैबोरेशन जो था वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब आए हैं आप तो हम इस कोलैबोरेशन को वापस एस्टैब्लिश करेंगे। पेंसिल्वेनिया की जब ये पता चल गया कि वहां का भी रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद उन्होंने स्पीच की। इसका मतलब है कि उनको ये पता था कि कुछ भी हो जाए उनकी ये सीट ज्यादा होनी। अच्छा, तो खैर है, इंडिया तो ये कर सकता था सारा कुछ, बिकॉज इंडिया की तो जरूरत थी अमेरिका को। हिंदू कन्विंस हो सकते थे, 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे, और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया, अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है। जय हिंद दोस्तों, यूएसए इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, और काफ़ी हद तक जो भारत चाहता था कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार बने, और डोनाल्ड ट्रंप जी की ही सरकार बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ट्विटर पे उनको बधाई दी, और जाहिर सी बात है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई बार कैंपेनिंग के दौरान तारीफ की। नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए थे, वहाँ पर भी जम कर डोनाल्ड ट्रंप जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की थी, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना तो बनता ही था। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जी ने हिंदुओं को लेकर जो उनका एक नज़रिया है, वो सभी भारत के लोग उसको पसंद करते हैं। चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर हिंदुओं पे वॉयलेंस की खबरें आती हैं, तो उनमें से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इसको कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। यूएसए में बहुत कम लीडर है जो हिंदुओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इवन दो भारतीय ओरिजिन की कमला हैरिस साहिबा भी हिंदुओं के बारे में बात नहीं करती, बेशक वो हिंदू, और शायद कहीं ना कहीं उसी वजह से हारती हुई भी नजर आए। भारतीयों की संख्या 60 लाख के आसपास है यूएसए में, लगभग अगर 2020 के आंकड़े माने तो लगभग 52 लाख था, लेकिन मैं 60 लाख एस्टिमेट कर रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को 7 करोड़ वोट मिले और इनको मिले 6.5 करोड़, तो 50 लाख से तो हार ही है। अगर यही सपोर्ट भारतीयों को हिंदुओं के प्रति करती कमला हैरिस जी, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड, तो वो भी मिलियंस में गया, और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब मैं हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर, ठीक है, कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी है, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शन अमेरिका में चल रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पर हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है कि दोनों कांटे का टक्कर है, और एड़ी चोटी का जोर दोनों ने लगा कर रखा हुआ है। हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%, लेकिन
लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बिडेन को इलेक्ट्रोल वोट जो है वो 51.3% मिले थे और ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे। तो ये 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है, ठीक है, और जीरो बिल्कुल पॉइंट फाइव परसेंट पर भी। अभी अभी मैं दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अब आती है बात कि जो बिडेन ने बिल्कुल तुरप का इक्का खेला और उन्होंने सोचा कि जो बिडेन पर जितनी भी क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क थे उसको खत्म करने के लिए और हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया, और कमला हैरिस ने लास्ट 6 मंथ से अपने हिंदू एंसेस्टर्स, अपने हिंदू रिलेटिव्स, अपने हिंदू एक्वेंटेंस का उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हिंदुओं से मिल रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए ट्रम्प कार्ड ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं हाँ 2021 बिल्कुल का अगर स्टेटमेंट उठाओ तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे, लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ कमला हैरिस अगर जीत करके आती है और वो प्रेसिडेंट बनती है तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो आप पहले जानिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन माई फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सब ठीक है, लेकिन जो इसमें मुख्य बात है ये क्या कह रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलेबरेशन, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये कि भैया ये बाइडन जो था और ये बाइडन कमाला और ये जो डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने हमारा कोलेबरेशन जो था वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब आए हैं आप तो हम इस कोलेबरेशन को वापस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये अब नरेंद्र मोदी का कहना है। साथ में इसकी जो और जो प्रतिध्वनि जा रही है वो कहाँ जा रही है? सबसे बड़ी प्रतिध्वनि इसकी जा रही है हमारे बगल में, यानी बांग्लादेश में। वहाँ क्या हो रहा है और उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। इन सज्जन को पहचानते हैं आप? इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज विनर। इनकी ज़रा शक्ल ठीक से देख लीजिए, ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहे हैं ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया, अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है और सोरोस चला गया है और डोनाल्ड लू चला गया है। डोनाल्ड लू ही जो था उसने ये सारा कार्यक्रम बांग्लादेश में किया था, रेजिम चेंज जो हुआ था वो डोनाल्ड लू के द्वारा हुआ था। अब ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाएगा, तब फिर यूनुस बाबा क्या करेंगे? वो कहेंगे ये जो लिखा है देखिए क्या था, फाइंड मी ए रॉक, फाइंड मी ए रॉक, मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं। लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा यूनुस मियाँ, तुमने जो हरकतें की हैं भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में और वहाँ के लोकल जो दूसरे लोग हैं अवामी लीग वाले, अब तो तुमको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, आइए उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और एक दूसरे सज्जन हैं जो आपको भागते हुए मिलेंगे, और उनका नाम जानते क्या है? उनका नाम है जेलेंस्की, यूक्रेन वाले। क्योंकि
जो एक विक्ट्री स्पीच दी ट्रंप ने, तो ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट आ गई। दो चीज़ें स्पष्ट ये आ गई, एक तो ये कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको सबको भगाएगा, दूसरी बात ये आ गई कि साहब वो सारे जो झगड़े चल रहे हैं, जो वॉर्स चल रहे हैं, उनको ख़त्म करेगा, पीस लाएगा। तो पीस ला